आप समझ गए होंगे कि आज का ब्लॉग कार पे है। रात एक्सीडेंट हो गया है उसका, और एक्सीडेंट होने का रीज़न ये है कि अच्छी खासी सर्दी हो रही है यहाँ पे उत्तराखंड में। कोहरा बहुत ज़्यादा था, रात में पता नहीं चला और गाड़ी जो है वो डिवाइडर से आके टकरा गई। तो सीन ये हुआ, गाड़ी वहाँ से गैरेज भेज दी थी रात, और रात तो इतना नहीं पता चल पाया था कि क्या क्या डैमेज हुआ है, खाली बम्फर लग रहा था रात। तो फिर हमने वहाँ पे गैरेज है एक पास में ही नज़दीक में वहाँ, तो उस गैरेज में कॉल की तो वहाँ से एक भैया आए, वो गाड़ी ले गए हमारी। तो फ़िलहाल अभी ये पता नहीं चल पा रहा था उस टाइम कि क्या क्या डैमेज हुआ है। तो अब अपना चलते हैं गैरेज और वहाँ चल के देखते हैं कि गाड़ी की क्या कंडीशन है, क्या हाल है उसके, क्या क्या डैमेज हुआ है उसमें, और कितना टाइम लग जाएगा उसको सही होने में। सबसे पहले तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें डैमेज क्या क्या हुआ है। मुझे तो ये लग रहा था कि सिर्फ बम्फर गया है, बम्फर के अलावा मुझे नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ होगा। बाकी वहाँ पहुँचेंगे अपना, देखेंगे, फिर पता चलेगा कि उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है और कितना टाइम लगेगा उसको सही होने में और कैसे होगा सही वो। ठीक है, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। अपना आ गए हैं गैरेज पे और अंदर चल के देखते हैं क्या कंडीशन है गाड़ी की। ये देख सकते हो गाइस, ये रहा सामने गैरेज, ये रहा गैरेज, और अंदर चल के दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी। ये देख सकते हो फर्स्ट पे ही खड़ी है। ओ यार, मेरे को तो लग रहा था कि सिर्फ बम्फर गया है, इसमें तो इन्होंने पूरा इंजन ही उतार लिया, इसमें से लाइट वाइट सब खोल के रख ली। क्या कंडीशन हो गई यार इसकी, तो मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ बम्फर ही गया है, इसमें तो पूरा इंजन उतार रखा है इन्होंने। तो ये रखा है साइड में इंजन। ये गैरेज देख सकते हो आप, पूरा गैरेज है ये, और भी गाड़ी यहाँ डैमेज खड़ी है, ये देख सकते हो आप। और यार गाड़ी की क्या कंडीशन हो गई है यार, ये पूरा इंजन साइड में रखा है इन्होंने उतार के, इसको वो बम्फर पड़ा आगे, मेरे को लगा कि सिर्फ बम्फर ही गया है। इसमें तो अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, काम चल रहा है इसमें, कि जो चीज़ें इसमें टूटी हैं डैमेज हुई है उसका सामान जो है वो ऑर्डर पे मंगाया गया है। तो अभी सामान आया नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, और ये काम चल रहा है इसका। ये रहा इसका अच्छा चैम्बर लग गया है इसका नीचे से, चैम्बर लगा है ना नीचे से। ओ यार गाड़ी जो है ना अच्छी खासी डैमेज हो गई है, और सही होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि जो डैमेज हुई है वो चीज़ें ऑर्डर पे मंगाई है, गैरेज में है नहीं, इसलिए अच्छा खासा टाइम लग रहा है। कंडीशन इसकी ये देख सकते हो क्या कंडीशन हो रखी है, बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इसमें तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, अभी फ़िलहाल इसका इंजन जो है वो निकाल के बाहर रख दिया है, ये रखा है, ये इसका इंजन है, इसमें अच्छा खासा अभी टाइम लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो ऑर्डर की हैं उनको आने में भी टाइम लगेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी तो कंडीशन देख ही सकते हो क्या हाल हो रहा है इसका। ये देख सकते हो अंदर से, आगे की जो लाइट हैं वो खोल के डाल रखी हैं पीछे, ये देख सकते हो ये लाइट पड़ी है, बाकी और भी सामान कुछ डाल रखा है इन्होंने। कंडीशन तो आपको दिख ही रही है, चैम्बर लग गया था नीचे से, तो इसलिए इन्होंने इंजन उतार लिया है, चैम्बर लगा है, कुछ नीचे से सपोर्ट जो है इसके वो पैप वगैरह डैमेज हो गए,
तो इसलिए इन्होंने इंजन जो है वो पूरा उतार लिया है। इंजन पे कोई दिक्कत नहीं आई है, बाकी जो चैम्बर नीचे की सपोर्ट होती हैं वो थोड़ी डैमेज हो गई हैं, तो इसलिए पूरा इंजन उतारा है इन्होंने। बाकी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है अभी इसको, इंजन ये रखा है। इंजन तो पूरा सेफ ही है, ठीक है पूरा इंजन, ये देख सकते हो आप पूरा इंजन सेफ है। बाकी इसकी जो माउंटिंग होती है ना साइड से, ये साइड से जो होती है माउंटिंग, ये वो टूट गई है, साइड से होती है माउंटिंग वगैरह, ये देख सकते हो आप, ये दिख रही है टूटी हुई, ये माउंटिंग है ये टूट गई है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लग रहा है अब इसमें, देखते हैं यार कितना टाइम लग रहा है। बाकी जब तक तो इससे काम चला ही रहे हैं।